हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिविंग लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग लिविंग लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं या लोन ले चुके हैं या आप अपने साइन अप भी किया है और अगर आप किसी भी कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में सारी डिटेल मिलने वाली है आपको लिविंग लोन एप्लीकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले चलिए वीडियो को करेंगे शुरू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बात करेंगे कि क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, क्या इससे आपको लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये 100% चाइनीज़ एप्लीकेशन है। इस तरह की जितने भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन जो भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है वो सभी की सभी चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन है, जहाँ से अगर आप लोग लोन लेते हैं तो आपको लोन का अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ से आपको 2500 से लेकर 5000 तक का लोन का अमाउंट सैंक्शन कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में। आप सिर्फ यहाँ पे साइन अप करते हैं अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइव फोटो से, तभी आपको यहाँ पे ये अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों, आप लोग को इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये फेक एप्लीकेशन है, इस RBI से रजिस्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका डाटा लीक होने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो अगर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेने वाले हैं तो एकदम ही सावधान हो जाए और मैं कहूँगा कि लोन नहीं लें। और बाकी जिन लोगों ने साइनअप कर दिया तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर केस में क्या होता है कि साइनअप करते ही आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है 2500 से लेकर 5000 रुपये तक अमाउंट। और फिर आपको 7 दिन बाद रिपेमेंट का डेट आ जाता है और आपको 7 दिन बाद से पहले ही यानी 5वें दिन या 6ठे दिन ही कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, मैसेजेस आना व्हाट्सएप पे शुरू हो जाएंगे और बार बार आपको तंग किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप अपना रिपेमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग का सवाल होगा कि यहाँ पे कितना इंटरेस्ट लगता है, कितना रिपेमेंट करना पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 गुना भी रिपेमेंट करना पड़ सकता है या उससे भी ज़्यादा ये लोग आपसे डिमांड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों बाद या 7 दिनों बाद ही। और अगर आपने इसका पैसा नहीं लौटाया या पैसा नहीं दिया तो फिर आपके साथ क्या होगा, क्या आपको इसको पैसा देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि ये ना तो आपको सिविल में रिपोर्ट करती है ना ही आपके साथ भी ये कुछ कर सकती है, क्योंकि फेक एप्लीकेशन है, चाइनीज़ एप्लीकेशन है, कोई इसको बैठ के ऑपरेट कर रहा है और ये बिजनेस मॉडल इन लोगों का काम कर रहा है इंडिया में, इसलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा कमाई कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह की एप्लीकेशन में फंस चुके हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लिविंग लोन एप्लीकेशन का आपको 1 रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली आपको क्या करना होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉल्स आना शुरू आ जाएंगे, मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि इन लोगों ने आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी हैक करके रखा हुआ है। जी दोस्तों, आप लोग जैसे ही इस ऐप पे साइन अप करते हैं तो साइन अप करते ही ध्यान दीजिएगा, साइन अप करते ही आपको कॉन्टैक्ट का परमिशन मांगा जाता है, जिसको कि आप लोग बिना सोचे समझे अलाउ कर देते हैं। और अलाउ करने के बाद उन लोग के पास आपका पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट चला जाएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट जाने का ये मतलब है, इसके बाद आप अपना लाइव फ़ोटो देते हैं तो ये एप्लीकेशन वाले क्या करेंगे, फिर उस लाइव फ़ोटो को एडिट करके और उस फोटो को गंदा गंदा बनाकर या फिर उस पर कुछ लिख कर आपको कॉन्टैक्ट को सेंड करने की कोशिश भी करते हैं और कर भी देते हैं किसी किसी केस में। इससे ज़्यादातर लोग मेंटली प्रेशर आ जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्टर्ब होने के कारण बहुत सारे लोग कुछ कुछ सोचने लगते हैं, क्योंकि इस तरह की हरकत से आदमी को हमेशा स्ट्रेस होगा ही होगा। और इस तरह की एप्लीकेशन के खिलाफ आपको सबसे पहले तो साइबर क्राइम में रिपोर्ट बिल्कुल कर देना चाहिए और साथ में अपने नज़दीकी थाने में जाके आप लोग चाहे तो FIR भी कर सकते हैं ताकि ये एप्लीकेशन जल्द से जल्द बंद हो जाए। बाकी प्ले स्टोर पर भी रिपोर्ट करना ही है। सब लोग मिलकर अगर इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, खूब ज़्यादा लाइक करेंगे और इस एप्लीकेशन को जाके प्ले स्टोर पर रिपोर्ट करते हैं तो ये एप्लीकेशन बहुत ही जल्द प्ले स्टोर से हट दी जाएगी। जितनी भी एप्लीकेशन होती है इस तरह की, उन सबका रेटिंग काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी एड्स दिखाए जाते हैं ताकि आप इस तरह की एप्लीकेशन को आसानी से इस तक पहुँच पाएँ और इंस्टॉल करके आप उनसे लोन ले सकें। लोन के नाम पर ये लोग लोन तो दे देंगे लेकिन फिर दोबारा अगर आप लोग लोन पे कर देते हैं तो फिर से ये आपके अकाउंट में सेम अमाउंट भेज देंगे और फिर आपको 5 दिन बाद लोन देने के लिए कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको हमेशा ही रिपेमेंट करने के लिए कहा जाता है। तो आप लोग को फिर से मैं बोल दूँ, काफ़ी आपको रहना होगा यहाँ पे सावधान और इसका पेमेंट अगर आप लोग कर देते हैं तो फिर से आपके अकाउंट में लोन आ जाएगा। तो इस तरह की एप्लीकेशन ज़्यादा दिन तक प्ले स्टोर पर नहीं टिक पाएगी, इसकी 110% मेरे पास गारंटी है कि ये 1 से 2 महीने में ये एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से बंद हो जाएगी, क्योंकि 100% इलीगल और चाइनीज़ एप्लीकेशन है। तो मैं आप लोग से कहूँगा कि आप लोग इसका पेमेंट ना करें और अगर आप लोग ने इसे लोन नहीं लिया है तो लोन ले भी नहीं, बिल्कुल भी इसे लोन नहीं ले, ताकि आप लोग को इन फ्यूचर में फिर कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नहीं सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर रहेगा 8780082240। यहाँ पे आप लोग चाहे तो व्हाट्सअप करके कोई भी जानकारी पता कर सकते हैं। अगर इस एप्लीकेशन से लीडर चाहिए होगा आपको पूरी हेल्प की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ आप लोग तक पहुँच सके।